नमस्कार, मैं कल्याणी ओझरकर। स्वागत है आपका समय नेशनल टीवी न्यूज के सबसे फास्ट बुलेटिन में। नजर डालते हैं देश के सभी राज्यों के प्रमुख खबरों पर। युवा संघर्ष संस्था द्वारा फ्री आधार कैंप संपन्न। मलाड पश्चिम स्थित शंकरवाड़ी मार्वे परिसर में युवा संघर्ष संस्था द्वारा फ्री आधार कैंप का आयोजन किया गया। इस आधार कैंप का उद्घाटन भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों हुआ। सांसद गोपाल शेट्टी जी ने इस कार्य की प्रशंसा की। इस आधार कार्ड कैंप का आयोजन गोविंदराव मोहने, चंद्रकला मोहने, एडवोकेट गणेश चव्हाण एवं सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया था। फ्री आधार कार्ड कैंप में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। तो पहली बात तो चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। हमारा काम है, हम झोपड़पट्टी का है, तो झोपड़पट्टी का जो लोगों का तकलीफ है, जैसा कि खुद का आधार कार्ड नहीं है, खुद का पैन कार्ड नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, लोगों को झोपड़पट्टी को जो जो मूलभूत सुविधा है वो हमारे संस्था के माध्यम से हम दिए जाएंगे। चुनाव के टाइम पे लड़ा जाएगा। हमें उम्मीद रखिए हमारे जो युवा संघर्ष जो संस्था है उसके हिसाब से जितनी झोपड़पट्टी है उत्तर मुंबई में, उसमें हम ये मेडिकल कैंप जो हमारी संस्था की तरफ से जो फ्री में लोगों को फ्री में देंगे और इसका लोग फायदा ले लेंगे, यही उम्मीद है हमारा। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? पहली बात तो हमारे खासदार को हम थैंक्स बोलते हैं कि इसमें कार्यक्रम में वो आके हमको सपोर्ट किए, और ऐसे हमारे कई सारे कार्यक्रम में उन्होंने आने की ये किया है। और ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है शंकरवाड़ी पटेलवाड़ी में, उन्होंने आश्वासन भी दिया है लोगों को कि यहाँ की जो रास्ता है आने वाला, जो रास्ता का वो काम अभी चालू शुरू होने वाला है पटेलवाड़ी शंकरवाड़ी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे तकलीफ है। दूसरा काम ऐसा है कि लोगों को यहाँ खेलने के लिए गार्डन नहीं है, तो आपको तो पता है गोपाल शेट्टी जी गार्डन मास्टर है, वो तो करेंगे। तो गार्डन का भी उन्होंने बोला कि आने वाली इलेक्शन के बाद में या इलेक्शन तक भी काम करेंगे गार्डन का। नहीं, सफलतापूर्वक परफेक्ट है। सुबह से लोग आधार कार्ड कैंप बना रहे, क्योंकि झोपड़पट्टी में ये सब कैंप होना चाहिए। और कई सारे संस्थाओं को मैं निवेदन देता हूँ कि आप भी ऐसा कैंप लोगों, क्योंकि लोगों की तकलीफ है। चुनाव तो लड़ते हैं, नेता आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों की तकलीफ कोई समझता नहीं है। छात्र छात्राओं ने मनाया नया साल। 1 जनवरी 2017 को दहिसर पूर्व रावलपाड़ा राधाकृष्ण हॉल में फर्नांडिस इंस्टीट्यूट के छात्राओं ने एक कार्यक्रम दौरान अपना नया साल मनाया, जिसमें मनसे की महिला नेता सिद्धिता मोरे भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में बच्चों के कई कार्यक्रम रखे गए थे। डॉक्टर फर्नांडिस ने जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर बच्चों के परिजन भी उपस्थित थे। मनसे महिला नेता सिद्धिता मोरे ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम करने से ही बच्चों का मनोबल बढ़ता है। वही डॉक्टर फर्नांडिस ने कहा कि मेरा यह क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाई पे कमजोर देखता हूँ तो मेरा दिल उनके लिए कुछ करने के लिए कहता है। इसीलिए मैंने स्लम एरिया के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मैंने यह बीड़ा उठाया है। पालघर जिले के तुलिंस पुलिस स्टेशन सेंट्रल पार्क स्थित एक महिला से ठगी करते रंगे हाथ एक शातिर ठग को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो उस ठग ने अपने और दो साथीदार ठग की जानकारी दी। इसी आधार पर तुलिंस पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि वसई तालुका के अनेक पुलिस थाने में इनके खिलाफ 10 मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 6 लाख के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। सोलापुर जिले के महावितरण मोहर तालुके के कार्यकारी अभियंता विकास पानसरे इनकी खुदकुशी के जवाबदार रहने वाले अधिकारी पर फौजदारी दाखिल करनी चाहिए और उनको सस्पेंड किया जाए, इसी तरह की मांगों को लेकर इंजीनियर्स एसोसिएशन के तरफ से कल और आज सोलापुर शहर के जूनी मिल कंपाउंड यहां के मुख्य कार्यालय के सामने काम बंद ठिया आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान बीड, पूना, बारामती, उस्मानाबाद और शाम तक पूरे महाराष्ट्र के लोग भी शामिल होने का अंदेशा बताते हुए ठिया आंदोलन किया गया। मुर्दाबाद की घोषणा लगाते हुए सस्पेंशन होना चाहिए, इसी तरह की मांगों को लेकर सोलापुर शहर के महावितरण कार्यालय में आज विकास पंढरीनाथ पानसरे इनकी खुदकुशी को लेकर नाराजगी दिखाते हुए कार्यालय के बाहर कई जिले के अभियंता ने मौजूदगी बताई। विद्या के मंदिर से निकली विद्यार्थी की अर्थी। सूरत के आसपास नगर लिंबायत इलाके की एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति शाला नंबर 261 की घटना सामने आई है। स्कूल के कंपाउंड के अंदर गेट जर्जर हो जाने के कारण रिसेस के समय विद्यार्थी खेल रहा था।
अचानक गेट टूटकर बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। उसके बाद बच्चा वहीं पर तड़पने लगा तो स्कूल के आचार्य ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए थे। नगर पालिका के कर्मचारी एवं अधिकारी इसकी जाँच करवा कर दोषियों को सजा दिलाकर और बच्चे के माँ बाप को मुआवजा दिलाया जाए इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।